दोस्तों आज फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सिनेमा न्यूज एंड अपडेट्स का एक और नया एपिसोड। आज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमोकार सिनेमा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले न्यूज की बात करें तो सुशांत सिंह केस के अंदर नया अपडेट आ गया है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि ये केस अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। और सीबीआई को हैंडओवर करने के बाद सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की रिएक्शन आ रहे हैं, वो आपने भी जरूर देखे होंगे, और सभी लोग इस चीज के लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई आप इतने दिनों से कहां सोए हुए थे। सेकंड न्यूज पर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आदि पुरुष फिल्म से रिलेटेड। आदि पुरुष के बारे में आपको पता ही दोस्तों, अभी हाल ही में उसका पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसके अंदर हमें आदि पुरुष के कैरेक्टर में प्रभास देखने को मिलेंगे। प्रभास की एक नई फिल्म के बारे में मैंने आपको पिछली सिनेमा न्यूज के एपिसोड में बताया था, लेकिन आदि पुरुष के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड होने वाली है। फिल्म का पोस्टर आप देख सकते हैं, इसमें सारे रामायण के पात्र दिखाए गए हैं, हनुमान जी से लेकर रावण तक। बात करें फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट तानाजी से भी ज्यादा होने वाला है, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है टी सीरीज कंपनी, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो होने वाले हैं तानाजी के डायरेक्टर ओम राउत जी। तो ओम राउत जी से हमें काफी सारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी तरह ही अपने हिंदू होने पर गर्व करते हैं। थर्ड न्यूज पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लक्ष्मी बॉम्ब मूवी के ट्रेलर के बारे में। तो इस मूवी का ट्रेलर बताया जा रहा था कि 18 अगस्त को रिवील होगा, लेकिन जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और उसके पीछे अब रीजन ये बताया जा रहा है कि सड़क 2 का हाल देखने के बाद सभी बॉलीवुड मेकर पूरी तरह से डर गए हैं, और वो नई नई स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारा बायकॉट ना हो करण जौहर और महेश भट्ट की तरह। और यहाँ पर आप इसका एक छोटा सा प्रूफ देख भी सकते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐलान किया कि इस केस को अब सीबीआई देखेगी, तो अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके कहा कि इस चीज की हमें बेहद खुशी है। तो इससे पता चलता है कि बॉलीवुड के अंदर कितना ज्यादा दोगलापन है। तो अक्षय कुमार जो 60 दिन से चुप्पी साधे हुए थे, सीबीआई के पक्ष में फैसला जाते हुए देखकर उन्होंने भी ट्वीट कर ही दिया। फोर्थ नंबर पे दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, कॉमेडी सीरियल से नया अपडेट आया है, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो तारक मेहता के उल्टे चश्मे की जो शूटिंग काफी समय से रुकी हुई थी, अब दोबारा से शुरू हो गई है, बहुत ही लिमिटेड क्रू मेंबर्स एंड आर्टिस्टों के साथ। और इसके अंदर एक नया कैरेक्टर भी अब उन्होंने ऐड कर दिया है, जिसका नाम है राकेश बेदी। तो राकेश बेदी को आप पहले से जानते होंगे, बहुत सारी फिल्मों और सीरियल में वो काम कर चुके हैं, इस इंडस्ट्री के कह सकते हैं कि बहुत ही पुराने चावल हैं, और अब इस सीरियल में भी वो अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। फिफ्थ न्यूज पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रिश 4 के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही कि क्रिश 1, 2, 3 कोई मिल गया, क्रिश एंड क्रिश 3 तीनों ही बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। आप सभी को इंतजार है क्रिश 4 का। तो क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पे काफी टाइम से काम चल रहा था, काफी साल हो गए जब क्रिश 3 मूवी रिलीज हुई थी, लगभग अराउंड 5 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। तो अब राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म किया है कि इसका प्री प्रोडक्शन काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और बल्कि उससे आगे की हम बात करें तो कास्टिंग पर भी काम किया जा चुका है, जिसके अंदर आप टाइगर श्रॉफ को एक विलन के तौर पर देखने वाले हैं। पिछली बार मूवी में विवेक ओबेरॉय थे, तो उनका काम सभी को बहुत पसंद आया था, लेकिन इस बार विलन और भी ज्यादा एडवांस होने वाला है। तो वॉर मूवी के बाद से टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन का जो काम है सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो कहीं ना कहीं मेकर्स इसी चीज को भुनाना चाहते हैं अपनी आने वाली फिल्म में। और बात करें कि इस बार ऋतिक रोशन के अपोजिट आपको सेकंड लीड एक्टर कौन देखने को मिलेगी, तो वो होगी कीर्ति सैनन। सिक्स न्यूज पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुनील ग्रोवर उर्फ गुत्थी फिर से कपिल शर्मा से टक्कर लेने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, और उनका एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान। ये 31 अगस्त से स्टार भारत चैनल पर ऑन एयर होगा। पहले भी सुनील ग्रोवर अपने 2 नए सेपरेट शो लेकर आ चुके हैं मैदान में, लेकिन उनके उन शोज को ऑडियंस ने वो प्यार नहीं दिया जैसा कपिल शर्मा शो को मिलता है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि उनका शो हिट होगा या नहीं? सेवन न्यूज पर दोस्तों मैं एक सैड न्यूज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। निशिकांत कामत, एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर जिन्हें मदारी, दृश्यम 4 और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं, उन डायरेक्टर का देहांत हो चुका है, और जो रीजन सामने आया है वो है लिवर डिसीज का। उनका काफी लंबे समय से हैदराबाद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन वो इस जंग में हार चुके हैं, और मुझे बेहद अफसोस है, क्योंकि हमने एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर को अपने बीच से खो दिया। तो उनके डायरेक्शन में बनी आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा कौन सी फिल्म है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आठवें नंबर पे दोस्तों मैं एक और चिलगोजे के बारे में बात करने वाला हूँ, जो बॉलीवुड का ही नेपोटिज्म किड है, जिसका नाम है वरुण धवन। तो अब वरुण धवन ने भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रे की है कि उसे इंसाफ मिले।
तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ तब स्प्रेड हो रही है जब पूरा कंफर्म हो गया कि भाई सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, तो उसे तो वो हटवा नहीं सकते, इतनी तो पावर उन लोगों की नहीं है। तो उन्हें लगा कि यार जिस चीज़ का हम ढंग से विरोध नहीं कर सकते तो क्यों ना ऑडियंस का सपोर्ट पाने के लिए अपना समर्थन ही दे दिया जाए। और ये सब चीज़ें अब इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनकी भी एक नई फिल्म आने वाली है कुली नंबर 1, जिसका ट्रेलर बताया तो ये जा रहा था कि रिलीज होने ही वाला था अगस्त मंथ में, लेकिन अब उसे फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। और सितंबर में मेकर्स की प्लानिंग है कि उसका ट्रेलर को वो रिवील करेंगे और ये फिल्म भी आपको OTT प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेगी, लेकिन वो नहीं चाहते कि इस फिल्म का भी वही हाल हो जो सड़क 2 का होने वाला है। लास्ट सेकंड न्यूज पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा एक रिलीजियन पॉलिटिकल वेब सीरीज के बारे में, जो भी इसी मंथ 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है MX प्लेयर पर, जिसका नाम है आश्रम और इसे डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने। प्रकाश झा सत्याग्रह, राजनीति जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार जो ये वेब सीरीज वो लेकर आ रहे हैं वो है बाबा राम रहीम से इंस्पायर्ड। तो आप सभी को पता ही है बाबा राम रहीम की पूरी स्टोरी के बारे में, तो उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वेब सीरीज को एक फिक्शनल मोड दिया गया है तो इसमें आपको कुछ नए एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो मैंने इस वेब सीरीज का ट्रेलर देखा तो बॉबी देओल यार मुझे उस संत के रोल में ज्यादा जचे नहीं है। आप लोग अपनी ओपिनियन दीजिए कि आपको लगता है कि बॉबी देओल आश्रम वेब सीरीज के साथ इंसाफ कर पाएंगे या नहीं। अब चलते हैं दोस्तों अपनी लास्ट न्यूज पर, जिसमें मैं बात करने वाला हूं आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। लाल सिंह चड्ढा आपको पता ही कि द फॉरेस्ट गम का रीमेक होने वाला है। फिल्म का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है और ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली है, लेकिन अब इस फिल्म पर भी खतरों के बादल मंडराने लगे हैं। और उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि आमिर खान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी हरकत करके दिखाई है जिससे सभी लोग काफी नाराज हैं उनसे। 15 अगस्त के दिन, जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जहां पर सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुपरस्टार सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे थे, वहीं आमिर खान टर्की में जाकर प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ चाय नोश फरमा रहे हैं। अब आप इसे क्या कहेंगे, टर्की वही मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा कश्मीर धारा 370 के हटने पर भारत का विरोध किया था, तो लोग इस चीज को उससे भी जोड़कर देख रहे हैं कि आमिर खान फिर से वही हरकत करके दिखा रहे हैं कि उन्हें हम गद्दारों में शामिल करें। अभी तक आमिर खान का इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, अब देखते हैं कि यार आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमारे सिनेमा न्यूज के कंटेंट को भी, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगती है और हम चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।